सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए मोटिवेशनल वीडियोस एंड करियर गाइडिंग वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिलर्स ऑफ सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के कोर्स के बारे में। जगह जगह पे बहुत सारे स्टेट्स में डीएलएड का एडमिशन का जो है उसका नोटिफिकेशन पड़ गया है और बहुत लोग उसमें भर्ती भी होने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या है डीएलएड, क्या है कोर्स, इसका आगे जाके आपको क्या इसका सुविधा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड को बोला जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 2 साल का कोर्स है। इसमें आपको प्राइमरी लेवल में कैसे पढ़ाना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें आप जाके सब्जेक्ट कोड या फिर जिसमें साइकोलॉजी है जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको और उसके साथ आपको जो एडुकेशन का जो कमीशन है शिक्षा कमीशन, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और पता चलेगा सब्जेक्ट का बारे में, सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी, कैसे मैथ कराना है, कैसे लैंग्वेजेस पढ़ाना है आपको स्कूल्स में जाके, कैसे आपको पढ़ाना है साइंस, कैसे आपको करना है अदर्स जो सोशल स्टडीज है उसको, इसके लेके आपको पता चलेगा सारे कोर्स में। तो कोर्स है 2 साल का। 2 साल में तकरीबन आप अगर गवर्नमेंट में करते हैं तो 20 या 25,000 में आपका कोर्सेस हो जाएगा। अगर आप जाते हैं प्राइवेट में तो वहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, ये कोई आपको एक्यूरेट हिसाब नहीं देगा कि इतना लगेगा, मगर बाद में जाके आपको बहुत सारे लूट लेगा। एक्चुअल में कोई स्टैंडर्ड फीस रेट नहीं है प्राइवेट का। तो इस कोर्स में आपको एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है बहुत सारे स्टेट्स में, तो आप एडमिशन हो सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मगर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको डीएलएड कोर्स हो गया 2 साल का तो आपको एक मार्कशीट मिलेगा। 2 साल में अलग अलग एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का अलग होगा, सेकंड ईयर का अलग होगा, उसके बाद आपको मार्कशीट दिया जाएगा दोनों 2 साल का कुल मिला के। तो कुल मिला के आपका जो परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से आप डीएलएड कम्प्लीट पास होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको आप स्टेट लेवल का जो प्राइमरी का टेट है या फिर सेंट्रल टेट जो है आप उसमें बैठ सकेंगे। तो उसमें बैठ के आपको क्या हो सकता है, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आगे जाके आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हो। तो यही है डीएलएड का खासियत। डीएलएड में जाके 2 साल आपको लगेगा कोर्सेस, तो ये जनरली क्लास 12 के बाद होता है या फिर 10+2 जिसको बोलते हैं, उसमें जो मार्क है उसके बेसिस में ही इसका मेरिट लिस्ट तैयार होते है और इसके बाद आपको चांसेस मिलते है इसका करने के लिए। तो बातें ये बात एक पिक्यूलियर बात यहाँ पे आ जाता है कि 2 साल आप अगर डीएलएड करोगे तो प्राइमरी का टीचर बन सकते हो, अगर आप यहाँ से 2 साल नहीं करोगे तो 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाओगे और उसके बाद आप थोड़ा बहुत बीएड कर लोगे 2 साल में, या फिर एमएससी या एमए या एमकॉम करोगे तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके आपको बहुत सारे स्कोर्स मिल सकते हैं। और ऐसे भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ टीचिंग लाइन में तो नहीं जा सकते, उसके बाद और भी बहुत सारे लाइन सबके सामने होगा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स आपके लिए होगा, आईएएस आईसीएस या फिर डिफरेंट स्टेट्स का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है उसमें भी आप जा सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप अगर डीएलएड करते हो तो टीचिंग लाइन के लिए आप एकदम फिक्स्ड हो जाओगे कि आपका टीचिंग लाइन में ही जाना पड़ेगा, अदर्स लाइने आपको अच्छा नहीं लगेगा तब। और अगर आप डीएलएड नहीं करके ग्रेजुएशन में जाते हो तो ग्रेजुएशन करके आपको बहुत सारे फायदा हो सकता है और आप बहुत सारे एग्जाम्स भी दे सकते हैं, रेलवे हो या फिर उसको क्या बोलते हैं अभी बोला सिविल सर्विसेज हो या फिर आईएएस आईपीएस या फिर बहुत सारे जो अदर्स एग्जाम्स है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। मगर 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और 2 साल में होगा डीएलएड। तो डीएलएड में जाके आपका 1 साल कम लगेगा, मगर आपका ये जो करियर है थोड़ा पिछड़ जाएगा। तो संभाल के सिलेक्शन करना आपका करियर। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बोलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।